गुंडागर्दी से राज चलेगा, बुलडोजर की सियासत चलेगी, मॉब लिंचिंग करेंगे। अलन की दरगाह का वाकया लाठीचार्ज पत्रे मारने के बाद 150 लोगों को अरेस्ट किया। जहां भी मस्जिदों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जाता है, ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 2, 15, 10 लोगों को अरेस्ट करते हैं। ये किस तरह का इंसाफ है? टारगेट के लिए किसी को बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुसलसल देख रहे हैं कि अब तक 7 से 8 लोगों को मॉब लिंचिंग ने, भीड़ ने शहीद कर दिया, मार दिया है। सबके साथ सबका सत्यानाश कर रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यही अगर इंसिडेंट कोई मंदिर में होता, हर नेशनल चैनल पर मुस्लिम के नाम से अलग ही ट्रेंड चलता था। इंडिया अलायंस में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग खामोश चुप्पी ना साधे बल्कि आवाज उठाएं, जुल्म करने वालों के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए मजबूती से पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी आवाज उठाएं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर, एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन, मैरिज एंगेजमेंट, एथनिक वेयर्स, पार्टीज, फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। प्रोटेस्ट का मतलब सीधा सीधा है कि अपने गुस्से को जाहिर करना, अपने गुस्से को जाहिर करना। गुस्सा किसके ऊपर है? हुकूमत के ऊपर हम लोगों को गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है? कि ये लोग हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे, हिंदू मुसलमान सब एक साथ है बोलकर, ये ऐसी चीज़ें कोई नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन, ये RSS बजरंग दल हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग मिलकर मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, खास माइनॉरिटीज़ के ऊपर और दलितों के ऊपर ये मुसलसल जुल्म हो रहा है। रिसेंटली आप नहीं, इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद 63 मॉब लिंचिंग हुआ पूरे इंडिया के अंदर, 63 यहाँ पर हो गया सो है। और कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर जो अटैक हुआ, जो घरों को जलाया गया, जो घरों को लूटा गया, जो विक्टिम्स को मारा गया, उनके ऊपर वैसे क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लेना बोल के। उत्तराखंड में जो 2 दिन पहले चर्च के ऊपर जो अटैक हुआ, जहाँ पे 200 प्रेयर्स करने आए वालों के ऊपर अटैक करे और पूरे चर्च को तोड़म फोड़ कर दे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, वैसे क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। दलित फैक्टशीट को हम सबमिट कर ये कैसा जो हाई पोजिशन पे ये लोग फैक्टशीट नहीं पढ़ते लोग, इसलिए हम लोग फैक्टशीट को सबमिट करें कि दलितों के ऊपर ये तरीके से अत्याचार हो रहा, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। बस यही हमारा हुकुम। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज दलित सेना संगठन और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट कमेटी एक्शन, तमाम संगठनों के साथ मिलकर हम लोग DC ऑफिस को आए हैं। तिमापुरी सर्कल से DC ऑफिस को हमारा ये प्रोटेस्ट मार्च रखा गया था, जिसमें से माइनॉरिटीज के ऊपर, दलित के ऊपर जुल्म हो रहा है। हाल ही में कोल्हापुर में जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, भगवा आतंकवादियों ने हमला किया, बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है वहां पर। ये जो देशद्रोही ये अटैक कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना और इनके ऊपर अरेस्ट करके इनको तड़ी पार करना यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से ये अत्याचार हो रहा है मुस्लिम के ऊपर, दलित के ऊपर, मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यही अगर इंसिडेंट कोई मंदिर में होता, हर नेशनल चैनल पर मुस्लिम के नाम से एक अलग ही ट्रेंड चलता था। ये मस्जिद पे हुआ इसीलिए सो कॉल्ड मीडिया चैनल वाले, नेशनल मीडिया चैनल वाले, उनके आंखों पर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। मैं पूछना चाहता, टारगेट मुस्लिम को कर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है, घरों में जाकर फ्रिज चेक कर रहे हैं, खाने के ऊपर पाबंदी है, बोलने के ऊपर पाबंदी है, इबादत के ऊपर पाबंदी है। जब तक हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की इज्जत करते और हम संविधान को पढ़े हैं, इसीलिए हम जिस दिन हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार हाथ में लेंगे, तब किसी को कोई रोक नहीं सकता। माइनॉरिटीज, दलित, मुस्लिम, जिस दिन एक हो गए, आज हम एक हो गए हैं, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे, 2% लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी, हम भगा भगा कर मारेंगे इनको। जल्द से जल्द अगर इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, अगर एक्शन नहीं होगा, दलित सेना संगठन गुलबर्गा से दिल्ली का प्रोटेस्ट निकालेगा। जय भीम, जय टीपू सुल्तान। लग रहा था कि जैसे ये शहर भूल गया है कि एहतजाज किसे कहते हैं, आज ये महसूस हुआ। जॉइंट एक्शन कमेटी, दलित सेना और जनता परिवार ने जो एहतजाज निकाला जुल्म के खिलाफ, वो एहतजाज एक जमाने के बाद कामयाब एहतजाज नजर आया है। ये एहतजाज मोदी हुकूमत के खिलाफ है, BJP हुकूमत, मोदी सरकार, शिवसेना के खिलाफ है जो वहां पर महाराष्ट्र में हुकूमत कर रही है, और योगी हुकूमत के खिलाफ है, हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ है।
आरएसएस, बजरंग दल, ये तमाम तर जो तंजीमें हैं वो जो काम कर रही हैं, वो ये पिछला जो इलेक्शन गुजरा है लोकसभा का, ये इलेक्शन होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड अटैक करने की कोशिश कर रही है, एक डराने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को, दलितों को, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए वोट नहीं किया या एनडीए को जिताने के लिए वोट नहीं किया। जो एहतजाज हम लोग यहाँ दर्ज कर रहे हैं आज, वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ है। मुसलसल देख रहे हैं कि अब तक 7 से 8 लोगों को मॉब लिंचिंग ने, भीड़ ने शहीद कर दिया, मार दिया है। चाहे वो गुड्डू खान हो जो उत्तर प्रदेश में शहीद किया गया, चाहे वो झारखंड में शाहबुद्दीन हो, चाहे वो कोई और हो, ये तमाम तर लोग सिर्फ नाम नहीं है, ये लोग इंसान थे। ये लोग अपनी जिंदगी, छोटी मोटी जो गुजर बसर करने की ताकत रखते थे वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और उसके बाद में अकबरपुर यूपी में बुलडोजर चलाया गया, मुरैना मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया, फिर महाराष्ट्र में हमने देखा कि मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया, इससे पहले इलीगल एनक्रोचमेंट के नाम पे नई दिल्ली में भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये तमाम तर जो वाकयात हैं, मस्जिद के ऊपर हमला, ऐसा लग रहा था जैसे कि दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, हाथ में हथौड़ा लेकर मस्जिद के अंदर हमला करने के लिए पहुंच गए और अपने आप को शिवभक्त कहकर ये लोग जुल्म करने के लिए आमादा होकर वहां के लोगों के ऊपर लूटमार भी किए, मस्जिद के ऊपर हमला भी किए। ये अंतर जो चीजें हो रही हैं, एनक्रोचमेंट के नाम पर जबरदस्ती लोगों के घरों को ढहा देना और उनको मौका तक नहीं देना अदालतों तक जाने का, ये नाइंसाफी है, आईन के खिलाफ है। और जय संविधान हम लोग जो आज नारा लगाए हैं, ये इस वजह से लगाए हैं क्योंकि ये जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। मैं अपोजिशन से भी गुजारिश करता हूँ, इंडिया अलायंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग खामोश चुप्पी ना साधें, बल्कि आवाज उठाएं, आवाज उठाकर जुल्म करने वालों के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए मजबूती से पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी आवाज उठाएं। और यहाँ पर जो हमारी एक मस्जिद पे हमला किया गया, उसके ऊपर एफआईआर हुई, तो हुई सिर्फ एक आदमी के ऊपर एफआईआर हुई, जबकि आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो में वायरल हुआ है, 15 से 20 लोग वहां पर जमा हुए हैं, वो मस्जिद को उनके इल इंटेंशन से, उन्होंने मस्जिद को क्या मकसद से गए थे नहीं मालूम, इसके ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ है। क्या ये नजर नहीं आ रहा है मीडिया में, क्या पूरी दुनिया में नजर नहीं आ रहा है, क्या हिंदुस्तानी सरकार को नजर नहीं आ रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी बढ़ गए हैं, दिन ब दिन बढ़ गए हैं, खासकर मुसलमानों पे, दलितों पे, ईसाइयों पे, ओबीसी पे, इसको मैं कंडम करता हूं। और हम जितने भी लोग यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि सबको, सबकी बात करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले को क्या ये नजर नहीं आ रहा है, हमारे गुलबर्गा में भी देखने में आ रहा है, हमारे पास कोर्ट्स नहीं है क्या, हिंदुस्तान में कोर्ट खत्म हो गए, क्या हमारे पास जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है, गुंडागर्दी से राज चलेगा, बुलडोजर की सियासत चलेगी, मॉब लिंचिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बनाएंगे, ये इनजस्टिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ हो रहा है, मैं इसको कंडेम करता हूं। और ऐसे इंसिडेंट आने वाले दिनों में भी नहीं होना चाहिए, इतनी बड़ी बात करने वाले, सबके विकास अल्लाह, सबके साथ सबका सत्यानाश कर रहे कौन, ये बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी सरकार। इवत दलितर मेलू अन्याय आगता है, ಇವತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಪಡಾವನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೇಟಿ ಬಚಾವನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಯಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ರಮನೂ ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆರಡೇ ಜಾತಿಗೆ, ಇವತ್ತ ಹಿಂದೂ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಭಗವದಾರಿಗಳು, ಏನು ಭಗವದಾರಿಗಳು ಏನು ವಿಶಾಲಗಢದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಿರಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂಬರುವಂತ ದಿನಗಳ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿದವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ದಲಿತರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಈ ತರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಹ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಿರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿನಃ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 2014ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸೂಫಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಇವನು ಹಿಂದೂ, ಇವನು ಅದು ಆಯ್ತು, ಇವನು ಇದಾಯ್ತು. ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ, ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುರಿಯೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಇದು ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 2014ರಿಂದ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅವಾಗಿನ ಹಿಡಿದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ, ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದ? ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಕೋಲ್ಹಾಪುರನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ಖಂಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಡೀತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು, ನಾವು ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಇದೇ ತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ 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 ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಳಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನುದು. ಈ ಏನು 2014ರಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ವಾನೀಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಚೌಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.